दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज द यूट्यूब बॉय वीडियो। बिग बैस लीग 2021-22 का 1900 मुकाबला होवर्ट हरिकन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में खेला जाने वाला है और ये जो मुकाबला है सुबह के 10 बजे खेला जाएगा। थोड़ा टाइमिंग में चेंज है तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। वेन्यू है वैल्यू ओवर होवर्ट, होवर्ट के मैदान में मुकाबला होने वाला है तो इस मैच की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल 11 को डाउनलोड कर लो। मेरा रेफरल कोड INETV आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसे जरूर यूज़ करना, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। 100% का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर, 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बात करें पिच की, तो वैल्यू ओवर होवर्ट जो है ज़्यादातर बल्लेबाजों को फेवर करता है, यहाँ के विकेट बल्लेबाजों को फेवर करती है। 49 मैच खेले जा चुके हैं, 170 के आसपास का एवरेज स्कोर है, 170 के आसपास ही रन बनते हैं यहाँ पर मोस्टली। और इस मैच में भी हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद है। बैटिंग फर्स्ट 28 बार और बैटिंग सेकंड 21 बार जीती है। स्कोरिंग पैटर्न पर भी हम नज़र डालें तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ की विकेट बल्लेबाजों को काफ़ी फेवर करती है। सिर्फ 8 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच 19 बार, 170 से 190 के बीच 15 बार स्कोर बना है और 190 प्लस 7 बार बना है। बैटिंग बल्लेबाजों को इस मैच में भी मुझे लगता है कि फेवर करेगी। दो मैच इस बिग बैस के खेले जा चुके हैं और दोनों ही बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। 20 विकेट पेसर्स को और 9 विकेट स्पिनर्स को यहां पर मिले हैं। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 15 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं। 10 स्टार जीती है और होवर्ट 5 जीती है। लास्ट 5 हेड टू हेड में 4 मेलबर्न के पक्ष में गया है, फेवर में गया है, और 1 सिर्फ होवर्ट के फेवर में गया है। पोजीशन की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पे स्टार छठे पे है, 4 में 2 विन 2 लॉस, और होवर्ट जो है 4 में 1 विन 3 लॉस, 7वें नंबर पे है। प्लेइंग 11, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। थोड़े बहुत बदलाव की उम्मीद है लेकिन वो भी ना के बराबर है। प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। फॉर्म की बात करें तो इनकी बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। आखिरी मुकाबले में भी पर्थ के खिलाफ 129 के आसपास ही ये लोग जो है सिमट गए थे। स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन स्टार्ट अच्छा इन द सेंस कि तेज़ शुरुआत मिली थी, लेकिन फिर भी टीम जो है 129 ही बना पाई। शॉट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, वेट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ज्वेल ने कुछ अच्छी पारियाँ जरूर खेली थी, 93 रन जरूर बनाया था 2 मैच पहले, लेकिन वो भी अब लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बेन मैकडॉर्मोंड के आने से थोड़ी सी बैटिंग मजबूत जरूर लग रही है, लेकिन पिछले मैच में ये भी 8 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। उससे पहले 31 रन बनाए थे और 137 रन की पारी भी पिछले 5 मैचों में इन्होंने खेली है और 140 का स्कोर है। यानी कि 3 मैचों में जो है इन्होंने पिछले 5 में से 3 मैचों में अच्छा खेला है, यानी कि मैकडॉर्मोंड थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंस नज़र आ रहे हैं। वैसे इस ग्राउंड पर शॉट अच्छा खेलते हैं और मैथ्यू वेड अच्छा खेलते हैं, तो ये दोनों इस मैच में फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। बाकी टीम डेविड और हैंडसकम का फॉर्म जो है एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। हैंडसकम ने 41 और 39 जरूर रहे हैं पिछले 5 मैचों में, लेकिन कुछ खास फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, ज़्यादातर मौकों पर फ्लॉप ही हुए हैं। वहीं टीम डेविड जो है लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो इनकी गेंदबाजी इनके बल्लेबाजों की तुलना में ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। मेरेडिथ बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। आप पिछले 5 मैचों का प्रदर्शन उठाकर देखें तो लगभग हर मैच में इन्हें विकेट मिला है, 2-2, 3-3 विकेट भी मिला है। लम्बी छने भी फॉर्म में है, पिछले 5 मैचों में इन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। रॉजर विकेट लिए हैं हर मैच में, लगभग 2-2, 3-3 विकेट इन्होंने लिया है, लेकिन थोड़ा सा ये महंगे साबित होते हैं। एलिस की बात की जाए तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, हर मैच में लगातार विकेट लिए हैं, आखिरी मुकाबले में बस विकेट इन्हें नहीं मिला था। तो गेंदबाज इनके काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। इस मैच में भी एलिस, रिले, मेरेडिथ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और थॉमस या फिर बोलैंड आते हैं तो उनमें से भी जो है कोई एक ही आएगा तो उनसे भी हम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर स्टार की तो इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इनके टीम में बदलाव होने की उम्मीद ना के बराबर है। बात की जाए फॉर्म की तो आखिरी मुकाबले में मैक्सवेल ने 103 रन जरूर बनाए थे, बावजूद इसके टीम हार गई थी। बाकी किसी भी बल्लेबाज की तरफ से हमें जो है कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। सिर्फ मैक्सवेल ने ही स्ट्रगल करते हुए टीम को 170 प्लस पहुंचाया था, फिर भी टीम हार गई थी। स्टोनिस लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, क्लार्क भी जो है फ्लॉप हो रहे हैं, बैक टू बैक 2-0 दे चुके हैं, 2 लड्डू दे चुके हैं। लार्किन भी जो है 1 हाफ सेंचुरी लगा पाए हैं पिछले 5 मैचों में। मैक्सवेल धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, 40 और 103 दो बड़ी पारियां इनकी आई है, 2 अच्छी पारियां आई हैं। बैक्स्टर भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, पिछले 5 मैचों में डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे रसेल फॉर्म में आ रहे थे लेकिन आखिरी मुकाबले में वो भी फ्लॉप हो गए थे। लेकिन रसेल 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने होते हैं, हार्ड हिटिंग करनी होती है, 30 रन बनाने होते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि रसेल आउट ऑफ फॉर्म चले गए। रसेल फॉर्म में है, 43 रन बनाए इस बिग बैस में, साथ ही साथ T10 में 90 रन भी बनाया था इन्होंने।
तो छठे नंबर के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस ठीक है, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बात करें इनकी गेंदबाजी की तो इनके गेंदबाजों का फॉर्म जो है ओवर की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। काउच लगातार विकेट लिए हैं, इनके अलावा इनका कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं जो कि लगातार विकेट लिया हो। एक कल्टर नाइल है, उन्होंने भी जो है लगातार विकेट्स लिए हैं, हर मैच में एक एक दो दो विकेट लिए हैं और एक मैच में चार विकेट भी लिए हैं पिछले पांच मैचों के प्रदर्शन को उठाकर देखें तो। और बाकी इनके गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो होवर्ड की तुलना में इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। बात करें अगर टॉप परफॉर्मर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल 325 रन बनाए हैं, 5 विकेट भी लिया है होवर्ड के खिलाफ। मार्कस स्टोइनिस 278 रन बनाए हैं, उसके अलावा जंपा 6 विकेट लिए हैं, टर्ची शॉट 195 रन बनाए, इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा खेलते हैं तो आपकी फैंटेसी टीम में परफेक्ट बैठेंगे। बेन मैकडॉर्मंड 273 रन बनाए हैं, मैथ्यू वेट 123 रन और रेले मेरेडिथ जो है स्टार के खिलाफ 10 विकेट लिए हैं, नेथन लिस को 5 विकेट मिला है। आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी रियल 11 की टीम में शामिल किया है। दोस्तों फैंटेसी टीम सेलेक्ट करने के लिए हम रियल 11 ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ INETV कैपिटल में मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करना। मैथ्यू वेड और बेन मैकडॉर्मंड 2 विकेट कीपर लिए हैं, 3 बल्लेबाज स्टोनिस ज्वेल और कार्टराइट को हमने लिया है, 3 ऑलराउंडर भी हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं, रसेल मैक्सवेल और आर्ची शॉट, 3 गेंदबाज भी हैं नथन कल्टोनाइट मेरदिक और एलिस, कैप्टन हमने बनाया है यहाँ पे शॉट को, इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बनाया है। बाकी फाइनल अपडेटेड टीम, फाइनल अपडेटेड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हमेशा एक तरह टेलीग्राम पर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, तो मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है होवर्ड हरिकन्स की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में होवर्ड हरिकन्स की टीम जीत हासिल कर सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेलबर्न स्टार्स की टीम इस मैच में जीत हासिल कर सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, रियल 11 को डाउनलोड कर लेना, मेरा रेफर कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।